नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं चौधरी प्रदीप सिंह। आज लीलूराम जी की भैंस की चौथी और खाली होने के बाद तीसरी और फाइनल चुआई आप सबको दिखाने जा रहा हूँ। भैंस ने खाली होने के समय दूध दिया था 13 किलो 120 ग्राम, दूसरे समय दूध दिया खाली होने के बाद पहले टाइम 12 किलो 960 ग्राम, और कल शाम का दूध था 12 किलो 820 ग्राम। और अब ये फाइनल चुवाई है। जो टी गार्डर आप देख सकते हो, एकदम टाइट खींचे हुए और बड़े ऑर्डर की। फुटबॉल की तरह कसे हुए ऑर्डर में। जोटी के बारे में एक बार फिर से बता दें, ये R107 बुल, HLDB का जो बुल है उस बुल की भैंस है। तीसरे ब्यात में है, पहले ब्यात में 18 किलो 200 ग्राम, दूसरे ब्यात में 21 किलो 800 ग्राम, और इस बार का दूध आप सबके सामने है। इस जोटी की पहले और दूसरे ब्यात में इसके नीचे दो कटिया थी, इस बार कटड़े को जन्म दिया है। M416 बुल का कटड़ा है, PC 665 और PC 574 दो बुलों की कटड़ियाँ इस भैंस के नीचे पिछले दो ब्यातों में रही हैं। बहुत बढ़िया भैंस है प्रवीण भाई, राम राम जी, आदेश भाई, राम राम जी। लाइव में जुड़े भाइयों से निवेदन है, शेयर जरूर करते रहें। पहली बार एक साधारण किसान जिसको बहुत सारे लोगों ने पैसे का ऑफर दिया, उसके बावजूद भी भैंस भी रोक करके रखी और भैंस की कटड़ियाँ भी नहीं बेची, और क्लियर शब्दों में कहा कि कोई भी चीज़ बेचने की कतई कोई इच्छा नहीं है, ना बेचने का मन पूरी तरह बना चुका हूँ। दूध निकालना और दूसरा नहीं, खाली बाल्टी दिखा दी गई है।
अजय भाई राम राम। जसी भाई राम राम जी। आप सब कमेंट्स के जरिए गैस लगाएं कि कितना दूध आज सुबह की इस मिल्किंग में भैंस निकाल देगी। प्रदीप सोलंकी भाई लिख रहे हैं, किसान के ऐसे ही आगे लाने के काम आप करते रहे प्रदीप भाई। बिल्कुल भाई, प्रयास अपनी तरफ से लगातार जारी हैं। जसी बचाल भाई लिख रहे हैं, 25,500 से ऊपर का रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल जी, उम्मीद यही है। पवन भाई राम राम जी। दूसरे प्रदेशों से पशु खरीदने हरियाणा में आने वाले भाइयों को एक बात और बता दूं, विशेष तौर के पर पंजाब में ज़्यादातर महिलाएं पशुओं का काम नहीं करती। हरियाणा के अंदर लगभग 85% महिलाएं पशुओं का काम देखती हैं। और इस भैंस के बारे में बता दें, लीलू राम जी से ज़्यादा मेहनत लीलू राम जी की पत्नी की इस भैंस के ऊपर रहती है। दूध निकालने के मामले में लीलू राम ठीक मेरी तरह ही है। प्रदीप सोलंकी भाई कह रहे हैं 13 kg पूरा करना चाहिए। दीपू भाई राम राम जी। सोनू बट्टू 13 kg 150 g। दीपू सिकरी लिख रहे हैं 13,200। पवन गणगस 13। बॉबी सगवाल 13+। रमेश भाई राम राम जी। बिल्कुल जस्सी भाई, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, लगभग हर एक चुवाई में ये बात बोल चुका हूँ कि दुआरे जो एक्सपर्ट दुआरा होता ना, दूध निकालते समय सिर्फ कलाइयाँ हिलती दिखती हैं। वैसा होता दूध ज़्यादा रिकॉर्ड कर देती है। वैसे बहुत ज़्यादा फर्क ना मान के चलो, आधा किलो दूध एक्स्ट्रा हो जाता। हरदीप मलिक भाई कह रहे हैं कि मेरे फार्म पे भी आकर रिकॉर्ड कराओ भाई। ज़रूर कराएंगे हरदीप भाई। प्रवीण डाका भाई लिख रहे हैं, इतनी गर्मी के बावजूद भैंस बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, अगर सर्दी का मौसम होता तो लगभग 2 kg दूध ज़्यादा देने की आशंका और आशा कर सकते थे। बिल्कुल भाई, मौसम का फर्क तो पूरा रहता है। कल दिन भर लू चली है, जबरदस्त तपत थी पूरा दिन। इस लाइव विल्किंग में हमारे साथ जुड़े लगभग 113 भाई हैं। आप सबसे निवेदन कि एक एक शेयर एक आम फार्मर के नाम आप सब जरूर करें। कमेंट्स के जरिए लीलू राम भाई की हौसला अफजाई करते रहें। मिल्किंग लगभग पूरी होने को आई है, कुछ ही समय में पता चलेगा एक आम फार्मर के घर HLDB से तैयार की गई। इसकी माँ भी HLDB की थी जैसा लीलू भाई ने हमें बताया है।
बुल नंबर ध्यान नहीं है, मिल्किंग के बाद आपको बुल नंबर भी पूछ के बताएंगे। हर एक पशु का इनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड लिखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ इन्होंने खुद भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। बिल्कुल दीपू भाई, सुवाई जैसी होनी चाहिए 25 किलो से बाहर दूध निकालने वाली भैंस की, वैसी सुवाई हो नहीं पाई। मोनू भाई लिख रहे हैं, प्रदीप भाई एक बार चेक करवा दियो सभी को, कदे काल न कोई न्यू, कदे बूस्टिंग था या कुछ और था। मोनू भाई काफ़ी सारे भाई फ़ोन भी कर लेते हैं कि बूस्टिंग क्या काम करता है, कैसे करता है, कहाँ मिलेगा, तो मैं आज इस लाइव के माध्यम से आप सबको बताना भी चाहता हूँ कि इतनी आसान ड्रग नहीं है जो आपको हर किसी मेडिकल के ऊपर मिल जाए, मेडिकल स्टोर के ऊपर उपलब्ध नहीं है ये, केवल और केवल तस्करी के माध्यम से मंगवाई जाती है और आम फार्मर के पास इतने सोर्स नहीं होते। आम फार्मर तो ऐसी बात भी अगर बोल दें तो 15 कदम पीछे भाग जाएगा। जैसा कि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ लगभग शाम वाले दूध के जितना दूर रहेगा। प्रदीप सोलंकी भाई मोबाइल नंबर आपको फेसबुक पे मेरी आईडी के ऊपर मिल जाएगा। लाइव में बोलने के बाद बहुत सारे फ़ोन आ जाते हैं और दिन भर फ़ोन सुनने में पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए आपको बाद में नंबर दे देंगे। उम्मीद लगभग 13 किलो दूध क्रॉस। ये सामने रख लिया। हाँ आई गया लगभग। बिल्कुल इसके मेलू भाई नामकरण भी करेंगे आज भैंस का। आप सब भी सजेशन दें कि क्या नाम होना चाहिए। बब्बू सिंह सिद्धू पलर लिख रहे हैं कि आप भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो ब्रो, हमारे लिए थैंक्स। बब्बू भाई आप सब भाइयों से ही प्रेरणा मिलती है। मोनू भाई कहाँ लिख रखी है, पंचायती बुल्कियारी है, हमें नहीं पता। HLDB के पुल की है, इस बात की तस्दीक करवाने के लिए डॉक्टर राजवीर और सरपंच कपूर सिंह सासरौली यहीं मौजूद हैं। एक बार दूध का वजन होने दें, उसके तुरंत बाद आज उनसे भी बात करवा देंगे आपकी इलाई में। डॉक्टर राजवीर ने आई की थी, सरपंच कपूर सिंह सासरौली सीमन लेकर के आए थे। जीरो देख लीजिए, रखो जी बाल्टी।
हाँ करो, जीरो करो। डाल दो भाई साहब। हाँ डालो। आराम से बस। बेहतरीन प्रदर्शन। थोड़ी निकाल लो, 20 ग्राम का ही बड़ा फर्क हो जाता है। तेरह किलो 200 ग्राम हो चुके हैं, 10-20 ग्राम जाग पूछने से और बढ़ सकते हैं। जितेंद्र मान कह रहे हैं क्या भाई, इसको इस बात में सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा जी, बकायदा प्रमाण पत्र दे करके। 13 किलो 220 ग्राम दूध अभी का खाली होने के बाद तीसरे टाइम का, और खाली करने समय चौथे टाइम का दूध रहा है 13 किलो 220 ग्राम। एक बार जोड़ियो कितना होगा टोटल, 12 किलो 960 ग्राम, 12 किलो 820 ग्राम और 13 220। टोटल निकाल दें तब तक एक बार आपको इसी 12 किलो 960 ग्राम टोटल, शुरू में लिखो सिर्फ 12 किलो 960 ग्राम, खाली वाला ऐड नहीं करना। नौ सौ साठ, 12 820 और 13 किलो 220 ग्राम। इसको भाग में तीन कर दो, कितना हो गया? भाग में तीन करने से माइनस तीन किया नहीं, भाग में तीन करो, गुणा दो कर दो, टोटल 39 किलो हो गया था क्या? पूरा 26 किलो, पूरा 26 किलो दूध इस भैंस ने रिकॉर्ड करवाया है जून के महीने में, जून के पहले महीने में। 13 किलो रामदास जाट भाई लिख रहे हैं, जूनियर लाडो। मेरी नज़र में भैंस का नामकरण की जहाँ बात करें तो लिल्लू भाई की भी राय लेंगे, बिल्कुल दीपू सिकरी भाई ने एकदम एडजेक्ट गैस किया था 13 किलो 200 ग्राम दूध का, एकदम स्टीक अंदाजा आपने लगाया था। ये झोटी इसी भैंस की है, PC 574 बुल की, AI डॉक्टर राजवीर की हुई है, और इसी ये झोटी इस भैंस की बहन है। डॉक्टर राजवीर हमारे सामने खड़े, 13 किलो 220 ग्राम जी इस टाइम का, इससे पिछले टाइम का 12 किलो 820 ग्राम, 12 किलो 960 ग्राम। एमटी का 13 किलो 120 ग्राम था जी, ये मैन काउंटिंग ही होगा। इसी झोटी की ये कटड़ी है PC 665 बुल की, AI डॉक्टर राजवीर ने की है, और मोनू भाई का भी मैंने कमेंट देखा था, कोई कह रहा था कि HLDB भी की नहीं है, ये कोई पंचायती बुल की है, तो उस चीज़ की क्लेरिफिकेशन के लिए मैं आपको कपूर सिंह सरपंच सासरौली से आपकी बात करवाने जा रहा हूँ। तौजी राम राम। एक भाई कोई कमेंट कर रहे हैं, दो एक भाई वो कह रहे हैं कि HLDB की नहीं है, किसी पंचायती बुल की है, HLDB का तो सिर्फ नाम लेकर के प्रमोट कर रहे हो आप केवल, तो इसके बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं जी, क्या आप ये सीमन कहाँ से लेकर के आए थे? और HLDB है सर, तो खुद जाके लाया था, मेरे पास इसका बिल भी रखा हुआ, अब भी रखा हुआ है। सरपंच साहब के पास आज भी वो बिल भी रखा हुआ है जब ये सीमन लेकर के आए थे? 10/17 M29 बुल के लेकर के आए थे, और डॉक्टर राजवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस भैंस की माँ की AI की थी। मैं डॉक्टर साहब से भी आपकी बात करवाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, कुछ भाइयों ने सवाल उठाए हैं, जैसा कि अक्सर होता है, अब तक उन्होंने कहा कि HLDB की नहीं, किसी पंचायती बुल की है, HLDB को तो सिर्फ आप लोग लगातार आगे बढ़ाने के लिए पेल रहे हो बस।
तो आप लोगों को बताएं कि क्या एआई आपने की थी इसकी माँ की? इसकी एआई मैंने की थी जी, श्री राजपाल नैन की एचएलडीबी को बढ़ावा देने की मुहिम के बाद जी मैं इस फेसबुक से जुड़ा था जी, और इसकी एआई R107 से ही हुई है जी, और इसके बारे में अगर किसी भाई को भी कोई शक हो तो अपना डीएनए कराने के लिए तैयार है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने क्लियर शब्दों में कहा कि अगर किसी को फिर भी अगर कोई शक सुबह अगर रह गया है तो वो डीएनए करवाने के लिए डॉक्टर साहब भी तैयार हैं, सरपंच साहब भी तैयार हैं और फार्मर भी तैयार हैं। लीलू राम जी, तो लीलू राम जी आपकी भैंस ने 26 किलो दूध रिकॉर्ड किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया, आज रात में तो नींद भी नहीं आई, गर्मी गर्मी की वजह से रात को नींद नहीं आई, थोड़ी सी दिमाग के ऊपर एक 100 ग्राम कल शाम को दूध घटा था, वो इस टाइम भैंस ने पूरा कर दिया तो अब थोड़ा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। 26 किलो दूध एक आम फार्मर के घर निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी भैंसे, ऐसी बहुत सारी भैंसे हरियाणा प्रदेश के अंदर फार्मरों के घर छुपी खड़ी हैं। ज़्यादातर फार्मर दुधारू भैंस को लोगों के सामने लेकर के नहीं आते क्योंकि एक पुरानी सोच है नज़र लग जाने की, या कहते हैं कि पशु खराब हो जाएगा, और उससे बड़ी बात क्या रहती है कि अगर कोई अच्छी भैंस है, जैसे कि आम बातचीत में हमने यहाँ भी देखा है लिल्लू भाई को भी कहते हुए अड़ोसी पड़ोसी कि भाई अच्छी भैंस अगर पैसे लगे तो बेच दियो, इतनी महंगी भैंस जमींदार के काम की नहीं है, भाई पैदा भी तो जमींदार के घर हुई है। ये थोड़ी सी पुरानी सोच हमारे फार्मर्स को भी बदलनी होगी। आप सब लाइव में हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ सॉरी, बीच में एक बात रह गई थी, कुछ भाई कह रहे थे भैंस का नामांकन करो, तो मेरा सजेशन है भैंस का नाम भावना रखा जाए क्योंकि आम किसान की भावनाएं जुड़ी हुई हैं एक आम फार्मर के साथ। बाकी लीलू भाई बताएंगे कि भैंस का नाम क्या रखना चाहते हैं। नाम तो हमने पहले में रख रखे है सबका। अच्छा जी, क्या नाम रखा हुआ है इसका? लक्ष्मी रखे है। लक्ष्मी नाम इन्होंने रखा हुआ है। इसकी माँ का महालक्ष्मी था। इसकी माँ का नाम महालक्ष्मी था। इसकी माँ कौन से सीमन की थी जी? HLD का बी का था, B1 442। इसकी झोटली का है, झोटली और उसकी बांध का पेटली। अच्छा, उसका झोटली उसका पेटली, जैसा कि हरियाणवी में लोकल नाम तौर पे पशुओं के नाम रखे जाते हैं। इसका निकू, निकू कटड़े का नाम निकू रख दिया है। और उसका छोई, और जो पिछले ब्यात की कटिया थी उसका नाम छवि रखा गया है। आप सब भाई लाइव में जुड़े, एक आम फार्मर की हौसला अफजाई के लिए आपने सैकड़ों कमेंट लिखे, शेयर किए, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी।